हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका हिंदी टॉपिक है अक्षर त्र। अक्षर त्र स्टूडेंट्स, त्र अक्षर छ अक्षर के बाद आता है, ये आप लोग सीख चुके हैं। इसके बाद अक्षर आता है आपका त्र। त्र से त्रिशूल होता है। और अगर हम बोलते हैं छात्र, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम छात्र और छात्रा बोलते हैं। छात्र जो त्र हम बोलते हैं ये वही अक्षर है। अगर हम बोलते हैं पत्र, तो पत्र में ये देखिए ये त्र आता है, ये होता है त्र। त्र अक्षर श अक्षर के बाद आता है, क्लियर। और त्र से होता है त्रिशूल। छात्र में त्र आता है एंड पत्र में त्र आता है। त्र अक्षर कैसे राइट करते हैं, किन लाइन्स का यूज़ करके राइट करते हैं, ये सब आज इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्कबुक में आपको स्लीपिंग लाइन कहाँ ड्रॉ करनी होती है, सेकंड लाइन पर, क्लियर। स्लीपिंग लाइन सेकंड लाइन पर रहेगी एंड स्लीपिंग लाइन से फोर्थ लाइन तक आपकी कौन सी लाइन रहती है, स्टैंडिंग रहती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऐसे स्टैंडिंग लाइन से स्टैंडिंग लाइन के ऊपर मीन्स ज्वाइन करते हुए आप ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऊपर की तरफ लाइन जाएगी एंड देन कर्व हल्का सा दे देंगे, मीन्स ब्लू से, ब्लू पर आप पेंसिल रखेंगे स्टैंडिंग लाइन पर, ऊपर की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट ब्लू में यहाँ पर टच करेंगे आके। उसके बाद उसी लाइन से नीचे की तरफ स्लैंटिंग लाइन थर्ड ब्लू लाइन पर, ऐसे थर्ड ब्लू लाइन तक राइट कर देंगे। ये होता है अक्षर त्र। कौन सा अक्षर होता है, अक्षर त्र। कैसे राइट करते हैं फिर से देख लीजिए। स्लीपिंग लाइन सेकंड लाइन पर, स्लीपिंग लाइन से स्टैंडिंग लाइन फोर्थ लाइन तक, देन थर्ड लाइन से ऊपर की तरफ ऐसे पेंसिल रखेंगे एंड थर्ड लाइन पर ही मिलाएंगे आके, मीन सेकेंड ब्लू लाइन पर, और नीचे की तरफ स्लैंटिंग लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक। कहाँ तक, ब्लू लाइन तक। ये आपका हो जाएगा अक्षर त्र। कौन सा अक्षर हो जाएगा, अक्षर त्र। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, क्लियर। ये होता है त्र से त्रिशूल। आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है कौन सी लाइन, स्लीपिंग, फिर स्लीपिंग से ज्वाइन करते हुए फोर्थ लाइन तक स्टैंडिंग, फिर थर्ड लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे एंड नीचे की तरफ ऐसे टर्न करेंगे, कर्व लाइन बनाएंगे एंड ऐसे ये आपकी हो जाएगी कौन सी लाइन, स्लैंटिंग। ऐसे आपका हो जाएगा अक्षर त्र। कौन सा हो जाएगा, त्र। त्र से त्रिशूल, क्लियर। जितने भी त्र अक्षर यहाँ पर राइट करने के लिए हैं वो आप लोग क्या करेंगे, ट्रेस करके राइट करेंगे एंड नेक्स्ट खुद से राइट करना होगा। तो कैसे करेंगे, ब्लू लाइन पर ऐसे पेंसिल रख के स्लीपी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप लोग ऐसे नीचे की तरफ आएंगे फोर्थ लाइन तक, फिर थर्ड लाइन पर ऐसे पेंसिल रखा ऊपर की तरफ गए एंड फिर इसे मिला दिया आके, कर्व ऐसे बना के हल्का सा, फिर क्या किया नीचे वहाँ जहाँ से हमने बनाया था वहीं से फिर नीचे की तरफ आएंगे ब्लू लाइन तक, स्लैंटिंग लाइन लाते हुए टच कर देंगे। ये आपका होता है अक्षर त्र। कौन सा अक्षर होता है, त्र। कौन सा होता है, त्र, क्लियर। आप त्र अक्षर ऐसे ही राइट करेंगे, नोट करते हुए वर्कबुक कंप्लीट करेंगे, क्लियर। अब कॉपी में कैसे राइट करेंगे ये हम लोग देखेंगे। लुक एट द कॉपी, कॉपी की तरफ देखें, इसमें आपको त्र अक्षर दिख रहा होगा। और त्र से त्रिशूल होता है, छात्र में आता है, त्र पत्र में आता है, और त्र से त्रिकोण भी होता है। त्रिकोण जो आप लोग इंग्लिश में ट्रायंगल रीड करते हो, ट्रायंगल जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं उसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं एंड हिंदी में त्रिकोण बोलते हैं। इसमें भी जो फर्स्ट पहला अक्षर है वो कौन सा होता है, त्र। कौन सा होता है, त्र। ये त्र ऐसे राइट करते हैं। कैसे राइट करते हैं बताया था वर्कबुक में, कॉपी में कैसे करेंगे, जैसा आप लोग जानते हैं कि आप क्या करना है, क्या करना है, लेफ्ट कर देना है, वन लाइन लेफ्ट करने के बाद
फिर क्या करेंगे, स्लीपिंग लाइन, लाइन पर लाइन से लाइन तक स्टैंडिंग लाइन आती है। देन अब आप लोग आइडिया लगा के कि इसमें बीच में होता था ना, तो इसमें भी बीच में ऐसे रखेंगे एंड ऐसे ले आएंगे, फिर नीचे की तरफ लाइन में ज्वाइन कर देंगे जाके। ये हो जाएगा आपका अक्षर त्र। कौन सा अक्षर? त्र। कैसे राइट करेंगे? स्लीपिंग, स्टैंडिंग, ऐसे किया और ये ऐसे राइट कर दिया। ये हो जाएगा अक्षर त्र। त्र से त्रिशूल एंड त्र से क्या होता है? त्रिकोण। क्या होता है? त्रिकोण। ओके, इतना अक्षर ऐसे राइट करते हुए वर्क करेंगे कॉपी में, सारा कंप्लीट करते हुए प्रैक्टिस करेंगे एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।